वैसे तो मनी हाइस्ट सीरीज बेस्ड है पूरी चोरों के ऊपर, पर क्या आपको पता है कि मनी हाइस्ट के राइटर्स भी एक नंबर के चोर हैं। उन्होंने इतने कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं फिर हेरा फेरी से कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। देखो मनी हाइस्ट का फिफ्थ और फाइनल सीजन आ चुका है, अगर आपने वो देख लिया है तभी इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉइलर्स हैं। अगर देख लिया है तभी देखें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपको स्पॉइलर्स भी मिलेंगे और आप मेरे को कमेंट में गालियां दोगे, तो उससे पहले देख लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब एलिसिया कल्नल के अपार्टमेंट में जाती है, कल्नल को सिर पर खींच के बंदूक मार के उसको बेहोश कर देती है और कल्नल ने पहले पुलिस वालों को बुलाया होता है, तो एलिसिया प्रोफेसर की मदद से सामने वाले घर में जाके छुप जाती है। तो पुलिस वाले आते हैं, पूरा का पूरा अपार्टमेंट छान मारते हैं, पर सामने वाले घर में सबसे लास्ट में जाते हैं। वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए? सॉरी, चल मेरे साथ, तेरे को बताता हूँ। तो ये भी लगने लग पड़ा है कि इन्होंने बेला चाओ भी बेलिंचे नागिन निगाली से चोरी किया हुआ है। बेलिंचे नागिन निगाली मुन्ना वे डोड़ा है अलगला। बेलिंचे नागिन निगाली मुन्ना। प्रोफेसर 90 टन सोना चोरी करता है। कल्नल कहता है कि उसको 90 टन सोना वापस चाहिए तभी वो उसको छोड़ेंगे, पर प्रोफेसर उसको 90 टन ब्रास लाकर दे देता है। और फिर वो कल्नल कहता है, साले नकली माल बेचता है, ये गंजी फ्रॉक सारा सेठ का असली माल चुरा के हमको नकली माल देता है, अरे ये चप्पल फेंक के दांत तोड़ डालेगा तेरा। ये सारा नकली माल वाला कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से? फिर हेरा फेरी से आया। That came in those trucks are gold coated brass, just gold coated brass. I warned you. Suarez Canito, weapons ready. Nice weapons. प्रोफेसर कल्नल को कहता है कि इसके बारे में तेरे को पता है या मेरे को पता है, और आने वाले प्रेसिडेंट्स को पता होगा, और इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। You'll be a hero. A hero. And this small difference of metals will be just another state secret. It'll pass down from president to president for the next 50, 60, 70 years. But at the core, nothing is going to change. ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने फिर हेरा फेरी से ही उठाया। वाह। सुन 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 सुन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को मालूम है इसमें नकली नोट है, तुम दोनों को मालूम है इसमें नकली नोट है। लेकिन वो तोतला को नहीं मालूम है। तो उसको बोलना पड़ेगा ना। अरे उसको तुम प्लीज चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो। चोर के घर में चोरी हो रही है और ये कॉन्सेप्ट भी कहां से आया? फिर हेरा फेरी से। अंदर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। Someone stole the gold. What'd you say? They came in dressed as police officers while all the gold was in the trucks. They tied us up and took everything. Professor 90 टन सोना चोरी कर लेता है। फिर आता बर्लिन का लड़का पुलिस बनके और उनका 90 टन सोना चोरी कर लेता है। अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे। और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। ये असली पुलिस हमारे बाबा। लगते खुफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं, एसआरबी। एसआरबी? एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं, तेरे को नहीं मालूम है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर। बैक पीछे करो। Si todo el mundo salimos de la nada. जब प्रोफेसर पकड़ा जाता है और सारे पुलिस वाले सोने की तलाश कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर पुलिस वालों को गुमराह करता है कि सोना यहाँ पर है, सोना वहां पर है, सोना यहाँ पर है, सोना वहां पर है, पर सोना वहां पर नहीं होता। ये सीन भी इन्होंने फिर हेरा फेरी से उठाया। असली माल तो गाड़ी में, 3-4 करोड़ का माल है। गाड़ी में, We need to mobilize the Navy. I want frigates, battleships, aircraft carriers, every goddamn fucking thing. We're going to comb the Cantabrian Sea. आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर ने आखिर चिट्ठी में क्या लिखा कि बर्लिन का लड़का मिनटों में मान गया। तो प्रोफेसर ने भाई साहब ये लिखा होगा।
अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग आओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।